भाई आप लोग के सामने कृष्णा पांडे जो खलनायक का करेक्टर करते हैं और काफी फिल्मों में जो है अत्याचारी और यही सब काम किए हैं तो आप लोग से मिलके जो बहुत खुशी हुई और ये अनाथ शाही जो जी आए हैं जो कम से कम सैकड़ों फिल्में कर चुके हैं उनके साथ भी हम लोग दोनों की जोड़ी जो है काफ़ी फिल्मों में एज ए हीरो और विलन की काफ़ी मारपीट और जो भी किरदार किए अच्छा किए। आज जो है अमर बेताब जी के साथ काम करने का मौका जो अवसर मिल रहा है बहुत खुशी की बात है। जो ऐसे टैलेंटेड और ऐसे मार्केट के जो है अच्छे डायरेक्टर के साथ अच्छे टेक्नीशियन के साथ काम करने की जो शुभ अवसर मिलती है बहुत खुशी की बात होती है। और हमारे जो क्या नाम है अमन जी हैं अरमान जी यही आपका नाम है ना मिलते हैं क्या नाम मुंतशिर खान अमन मुंतशिर खान ये नाम ही नहीं आता मुझे अरमान खान अरमान खान अरमान खान जो जलेबी फिल्म प्रोडक्शन शर्मा फिल्म कृष्ण के जो है बैनर तले जो फिल्म बन रही है अनाथ के साथ तो आज हम अनाथ के ऊपर बात कर रहे हैं। ये अनाथ फिल्म ऐसी बन रही है जो लोग काफ़ी अत्याचार और काफ़ी एक्शन और काफ़ी फैमिली ड्रामा ही है भरपूर अपना फैमिली ड्रामा है काफ़ी साफ सुथरा फिल्म है। लोगों का इंतजार है कि आज साफ सुथरा फिल्म आवे लोग देखना चाहते हैं अच्छी फिल्मों की तलाश है। कोई भी आदमी जो है आज 100 रुपया टिकट 200 रुपया टिकट लेके जो है टाकीज में बैठता है 2 घंटा उसको टाइम बिताना बहुत भारी पड़ जाता है लेकिन जब अच्छा चीज़ पाएगा तो 2 घंटा क्या पूरा दिन का दिन वो देखेगा एक बार नहीं देखेगा 4 बार देखेगा। तो ये जलेबी फिल्म और शर्मा फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से जो फिल्म आ रही है काफ़ी साफ सुथरा फिल्म काफ़ी एक्शन और फैमिली ड्रामा काफ़ी इमोशनल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म है ये और काफ़ी अत्याचार भी इसमें होगा। जो इसमें हीरो रहता है फर्स्ट हीरो जो बड़ा हीरो होता है उसके जो है दिखाते हैं कि इसके माँ बाप को जो है जिंदा जला दिया जाता है उसके ऊपर अत्याचार काफ़ी किया जाता है और काफ़ी उसे परेशान करने के बाद वो एकदम एक समय ऐसा जाता है कि उसके माँ बाप को जिंदा जलाने के बाद वो अपने बाप की अर्थी लेके जो है गंगा नदी में विसर्जन करने जाता है। वो ऐसा मौका होता है कि वहाँ पे जो है किसी एक छोटे बच्चे को वहाँ से पाता है वो अपने गोद में लेके और उस बच्चे को लेके चलाता है। लेकिन एक समय आता है कि मतलब उस गांव में वहाँ जो है बच्चे को लेके जाता है लोग मना करते हैं बोलते हैं कि इस गांव में जो है तुम लोग यहाँ से निकल जाओ वरना हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। तो उस बच्चे को लेके वो कहीं दूर जाके जो है कहीं अलग जगह जाके जो है रहने लगता है। फिर वहाँ देखा जाता है कि जो विलन है उसकी अत्याचार से उसकी जो है पूरी जो है वहाँ पे इतना तहलका मचा है।